दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल डीटीएच में सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान देख रहे हैं तो आज मैं आपको एयरटेल डीटीएच के सबसे बेस्ट हिंदी एचडी बिना एचडी रिचार्ज प्लान के बारे में बताऊंगा कि 2024 के अंदर एयरटेल डीटीएच के काफ़ी सारे ऐसे नए सस्ते रिचार्ज प्लान रिलीज किए गए जिनकी प्राइस काफ़ी कम हमें देखने को मिल रही है, जिनमें दोस्तों हमें एक ही प्लान के अंदर जितने भी स्पोर्ट, किड्स, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, मूवीज सारे चैनल हमें एक ही प्लान के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एयरटेल डीटीएच के करंट प्लान को कैसे चेंज करें, नया प्लान कैसे ऐड करें, इसका पूरा लाइव प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल पर आपने तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एयरटेल डीटीएच में आपको दो तरह के रिचार्ज प्लान देखने को मिल जाते हैं। एक तो है दोस्तों मंथली रिचार्ज प्लान, एयरटेल का जो मिनिमम रिचार्ज प्लान है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, हिंदी एंटरटेनमेंट एक महीने का प्लान है, मात्र 279 रुपये एक महीने की प्राइस है। कोई भी एनसीएफ आपको अलग से पे नहीं करनी है। इस प्लान के अंदर दोस्तों आपको हिंदी एंटरटेनमेंट के जितने भी चैनल हैं, चाहे जी टी वी, स्टार प्लस, सेट है, कलर टी वी है, 15 चैनल आपको हिंदी एंटरटेनमेंट के देखने को मिल जाते हैं। मूवीज़ में आपको जी सिनेमा, सोनी मैक्स, स्टार गोल्ड है, कार्टून नेटवर्क, पोगो नेटवर्क, स्टार स्पोर्ट वन हिंदी जैसे चैनल भी आपको इस प्लान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है बजट रिचार्ज प्लान, इसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रिचार्ज प्लान है दोस्तों, हिंदी एंटरटेनमेंट एचडी रिचार्ज प्लान है, 348 रुपये एक महीने की प्राइस है। कोई भी एनसीएफ आपको अलग से पे नहीं करना है। खास बात दोस्तों, आपको इस प्लान के अंदर जितने भी हिंदी एंटरटेनमेंट के चैनल हैं, मूवीज़ के चैनल हैं एचडी वाले, सारे के सारे दिए गए, कार्टून नेटवर्क, पोगो नेटवर्क, सोनी मैक्स, स्टार गोल्ड है। खास बात दोस्तों, आपको स्टार स्पोर्ट वन हिंदी एचडी चैनल भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं एयरटेल डीटीएच का 6 महीने का रिचार्ज प्लान, तो वो काफ़ी सस्ता आपको एयरटेल डीटीएच की तरफ से दिया जा रहा है। हिंदी बेसिक एचडी प्लान है, 6 महीने का मात्र 1099 रुपये एक 6 महीने की प्राइस है। इसको हम कंपेयर करें मंथली के हिसाब से तो 150 रुपये के समथिंग इसकी प्राइस से देखने को मिल रही है। कोई भी एनसीएफ हमें अलग से पे नहीं करना है। खास बात दोस्तों, आपको जितने भी हिंदी एंटरटेनमेंट, मूवीज, किड्स, स्पोर्ट के चैनल हैं, लगभग सभी देखने को मिल जाते हैं। स्टार स्पोर्ट वन हिंदी चैनल भी दिया गया, सोनी मैक्स, स्टार गोल्ड है, कलर टीवी, जी टीवी भी देखने को मिल जाता है। दूसरा जो प्लान है दोस्तों, हिंदी एंटरटेनमेंट 6 महीने का प्लान है, 1549 रुपये 6 महीने की प्राइस है। इसको हम कंपेयर करें मंथली के हिसाब से 225 रुपये के समथिंग इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस प्लान में आपको जितने भी चैनल हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, जी टी वी, स्टार प्लस, सेट है, स्टार भारत है, जी सिनेमा है, सोनी मैक्स है, स्टार गोल्ड है, इसके अलावा कार्टून नेटवर्क, पोगो नेटवर्क दिए गए, स्टार स्पोर्ट पर हिंदी चैनल देखने को मिल जाता है, कलर टीवी दिए गए, काफ़ी सारे चैनल आपको इस प्लान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। प्राइस भी काफ़ी कम इसकी रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं 6 महीने का और प्लान भी यहां पर दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, हिंदी अल्टीमेट 6 मंथ प्लान भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी बेसिक एचडी 12 महीने का प्लान भी दिया गया। जो भी आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है, उन प्लान को आप ले सकते हैं। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं या एप्लीकेशन पर आ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीधे आप इस पेज पर आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने करंट प्लान को चेंज करना चाहते हैं, नया प्लान ऐड करना चाहते हैं, तो आपको कॉल करना 1800103605 पर कॉल कर सकते हैं, या एयरटेल डीटीएच का जो दूसरा नंबर है कस्टमर केयर का, 121 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोनों ऑफिशियली एयरटेल डीटीएच के कस्टमर केयर के नंबर हैं, आसानी से कॉल करके अपने करंट प्लान को चेंज भी करवा सकते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आपको परेशानी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या एयरटेल डीटीएच के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।